सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में बहुत एक क्विक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे कि जो भी हमारे एमएसटी सीटी स्कोर एक्सेप्ट करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए उनमें कब एमएसटी सीटी का स्कोर एक्सेप्ट होता है और कब जेईई मेंस का। क्या कुछ महाराष्ट्र डोमिसाइल कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका प्रोविजन होता है और क्या कुछ आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स वाले के लिए। तो बहुत एक सिंपल सा फैक्टर है, समझिएगा कि दो प्रकार के आपके एमएसटी सीटी स्कोर एक्सेप्ट करने वाले स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए महाराष्ट्र के। एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो गया और एक प्राइवेट कॉलेज। महाराष्ट्र के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यूजुअली हमें महाराष्ट्र डोमिसाइल कोटा वाले सीट्स प्लस 15% ऑन एन एवरेज आपका ऑल इंडिया सीट्स भी हमें देखने को मिल रहे होते हैं। बट वहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस में यूजुअली आपको सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र डोमिसाइल कोटा ही सीट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो जितने भी आपके महाराष्ट्र डोमिसाइल कोटा वाले सीट्स हो गए, चाहे प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, आपके एमएचटी सीटी का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स में जेईई मेंस का स्कोर चलता है। लेकिन अगर आप एमएचटी सीटी का भी एग्जाम दिए हुए हो तो उस केस में जेईई मेंस के ही मार्क्स को प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन अगर इन केस अगर दो स्टूडेंट्स का जेईई मेंस का स्कोर लगभग बराबर हो जा रहा होता है तब उस केस में एमएचटी सीटी के स्कोर को भी कंसिडर किया जाता है। यानी कि ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए एमएचटी सीटी का स्कोर जस्ट नेग्लिजिबल है, इन रेयर केस यूज हो रहा होता है। तो अगर हम आइडियल केस लेकर चलें तो कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया मैं महाराष्ट्र का हूं, मैंने एमएसटी सीटी नहीं दिया, मैंने सिर्फ जेईई मेंस दिया है, तो भी आप अप्लाई कर पा रहे होंगे। लेकिन आपको ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स के थ्रू एडमिशन मिलेगा जो कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ एमएसटी सीटी का स्कोर चलता है और महाराष्ट्र डोमिसाइल कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर भले ही महाराष्ट्र डोमिसाइल कोटा हो लेकिन एमएसटी सीटी का एग्जाम नहीं दिया तो आप इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं जा सकते। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया मैं तो ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करता हूं, मैं महाराष्ट्र का नहीं हूं, तो मैंने एमएचटी सीटी नहीं दिया तो जेईई मेंस के बेसिस पर क्या कुछ होने वाला है। तो जेईई मेंस के बेसिस पर आपको इन ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एमएचटी सीटी दिया है और जेईई मेंस नहीं दिया है तब देखिए आपको महाराष्ट्र डोमिसाइल कोटा वाले सीट्स तो मिलेंगे नहीं क्योंकि आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हो। तो आपको ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स मिल सकते हैं लेकिन बहुत एक नेग्लिजिबल आपको प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि मैंने बताया ऑल इंडिया कोटा सीट्स पे एमएचटी सीटी चलता है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल प्रायोरिटी होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।